दोस्तों, बचपन में आप सभी ने कभी ना कभी हाजमोला तो खाया ही होगा, लेकिन कभी आपने सोचा है कि फैक्ट्री में हाजमोला को कैसे बनाया जाता है? दोस्तों, डाइजेशन के लिए अधिक यूज़ होने वाली टैबलेट हाजमोला ही है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि फैक्ट्री में हाजमोला कैसे बनता है तो मेरे साथ बने रहना वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। हाजमोला बनाने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल में जीरा, काला नमक, लौंग, काली मिर्च, चीनी और पाचन चूर्ण का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले जीरे को रोस्ट किया जाता है, उसके बाद सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया जाता है और इस मिक्सचर को तब तक ग्राइंड किया जाता है जब तक ये पाउडर बारीक फॉर्म में ना आ जाए। बारीक फॉर्म में आने के बाद अभी भी इसमें कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो अच्छे से नहीं पिस पाते और इसीलिए उस पाउडर को एक बार और ग्राइंडर में डालकर पीसा जाता है। फिर इस पाउडर को टैबलेट मेकिंग मशीन के पास पहुंचाया जाएगा, जहां हाजमोला की लाखों टैबलेट को बनाकर तैयार किया जाता है। उसके बाद पाउडर से भरे कंटेनर में सक्शन पंप को डाला जाएगा और ये सक्शन पंप उस पाउडर को टैबलेट बनाने वाली मशीन में भेजता रहता है, जहां ये मशीन शुगर सिरप को पाउडर के साथ मिलाकर गूंधे हुए आटे की तरह बना देती है। अब यहाँ से हाजमोला बनाने की प्रक्रिया चालू होती है। दोस्तों, आप सुनकर चौंक जाएंगे कि हर घंटे ये मशीन 2 लाख टैबलेट को बनाकर तैयार करती है। उसके बाद इन सभी टैबलेट को पैकेजिंग एरिया में ले जाया जाएगा, जहां इन सभी टैबलेट को पैकेजिंग मशीन के हॉपर में डाला जाता है और यहीं से एक एक टैबलेट लाइन से आगे बढ़ती रहती है। उसके बाद आगे इन्हें 1-1 रुपए वाले छोटे पैकेट्स में एक मशीन पैक करते चलती है। आगे की प्रोसेस में इन छोटे छोटे पैकेट्स को प्लास्टिक के डिब्बों में डाल दिया जाता है और हर एक प्लास्टिक जार में 160 छोटे छोटे पैकेट्स को भरा जाता है। प्लास्टिक जार में भरने के बाद इन्हें सील पैक करके आगे आप तक बिकने के लिए भेज दिया जाता है और इस तरह से हाजमोला बनकर तैयार होता है। दोस्तों, आपने कभी हाजमोला खाया है? कमेंट में बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।